नमस्कार अभ्यर्थियों, राजस्थान पुलिस 2022 के ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो है अब जारी हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आपको लाइव एडमिट कार्ड निकाल के बताने वाले हैं, किस तरीके से आप भी घर बैठे अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। मात्र दो मिनट के इस वीडियो को देख के आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से घर बैठे अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं कि किस जगह पर, किस स्कूल में आपका, किस कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड निकाला है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर का नेम यहाँ पे आ चुका है, कितने बजे से कितने बजे तक एग्ज़ाम है, पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है और आपको क्या क्या यहाँ पे इसके साथ लेके जाना है। यहाँ पे पुलिस विभाग की प्रति आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं पासपोर्ट साइज़ की कलर फ़ोटो आपको यहाँ पर लगानी है। आपको स्टेपलर या पिन का यूज नहीं करना है, आपको फ़ोटो यहाँ पर चिपकानी है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश। इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा कि कौन कौन से निर्देश आपको जो है ध्यान में रखने हैं जब आप राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम सेंटर यानी कि एग्ज़ाम देने जाएंगे, उस समय क्या क्या निर्देश यहाँ पर रखे गए हैं, इसको लेकर मैं पर्सनल वीडियो बनाऊँगा। इसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल घंटे निशान का दबा के नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपना प्रवेश पत्र निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है एडमिट कार्ड में पहला ऑप्शन शो होगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2022। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंतर्गत डाउनलोड एडमिट कार्ड। यहाँ पर क्लिक हेयर के सामने आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे SSO ID का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपनी SSO ID और पासवर्ड डाल के आपको इसे लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने आपकी SSO ID ओपन होगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको इस ऑप्शन को देख लेना है, आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंटल स्ट्रैक 2 इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे यानी कि सबसे नीचे ही नीचे आपको इस तरीके से दिखाई देगा, क्लिक हेयर टू गेट योर एडमिट कार्ड राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट 2021। चाहे तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन शो होंगे जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई देगा होम माई रिक्रूटमेंटल गेट एडमिट कार्ड, इसके ऊपर भी आप जो है क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे गेट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे पहला एडमिट कार्ड आपको शो होगा, रिक्रूटमेंटर कांस्टेबल 2021। यहाँ पे गेट एडमिट कार्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सीधा डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड जो है आपके सामने निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर आप वहाँ से क्लिक करेंगे, चलिए मैं आपको बता दूँ, अगर आप जो है यहाँ से क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फिर से स्टार्टिंग से, अगर आप नोटिफिकेशन से क्लिक करेंगे तो आपको जैसे ही यहाँ पे नीचे लास्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है इस तरीके का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको राइट साइड में यहाँ पे गेट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ये डिटेल भरनी होगी। जैसे हम बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, फिर उसके बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पर डाल के गेट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। बेहतर होगा आप यहाँ पर जो है आपको इस तरीके का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको बैक करके बता दूं तो आप यहां पे डायरेक्ट जो है अपना सीधा गेट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप जो है अपना एडमिट कार्ड निकालना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान पुलिस से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, जिन लोगों का 13 तारीख को एग्ज़ाम है उन कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, 14 तारीख वालों का कल हो जाएगा, 15 तारीख वालों का उससे अगले दिन। यानी कि एग्ज़ाम से हम बात करें तो आज जो है सात एग्ज़ाम से 5 से लेके और 6-7 दिन पहले एडमिट कार्ड जो है जारी हो रहे हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका प्रवेश पत्र आया है या नहीं आया है। आशा करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। मिलेंगे इसी प्रकार से एक नए अपडेट के साथ। जो भी समस्या आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका समाधान प्रोवाइड करा सकूँ। धन्यवाद।